हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है हर बार की तरह बहुत स्पेशल है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू द अनबॉक्सिंग ऑफ एप्पल कीबोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बेसिकली ये कीबोर्ड एप्पल का नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द कूलेस्ट फैशनेबल कोरियन ब्रांड्स मूमूज होगा है। एंड अकॉर्डिंग टू इस प्राइस बजट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बेस्ट है। सो गाइस, अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो पीछे वही बेकार के सब इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे बस इसकी प्राइस लिखी हुई है 1099। एंड अब बॉक्स खोलने पे हमको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जो कि कोरियन में एकदम बकवास है, कोई काम का नहीं। एंड सेकेंडली हमारा मेन प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छे पैकिंग में आया है। तो बहुत कूल है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है एंड इवन बहुत ज़्यादा स्लिम भी है ये। तो चलिए इसके अंदर बैटरी डाल के इसको ऑपरेट करके देखते हैं। सो गाइज, मैंने अब इसको मेरे आईपैड के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि अब मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ये सीधा स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सब्सक्राइब टू कुशियापा, कुछ भी मैं लिखूँ सब एकदम इजीली लिखा जा रहा है। सो ये कीबोर्ड, यहाँ पे इसके इंडिकेशंस भी है कि इसमें बैटरी फुल है एंड बहुत कूल सेटअप है ये। गाइज, ये कीबोर्ड के और भी काफ़ी कूल फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने मेरा वीडियो चालू कर रखा है एंड मैं अभी इसका वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। तो ये इसका वॉल्यूम एक्चुअली म्यूट हो गया है, तो मेरे को वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम कम भी हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो गया। एंड इसमें ब्राइटनेस भी हम कम कर सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी। सो गाइस, कीबोर्ड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपको भी खरीदना है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो हरी अप, बहुत अच्छी चीज़ है बजट के हिसाब से। एंड टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।